एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइज, अभी तक हमने दर्शन की सीरीज में नास्तिक दर्शन को कंप्लीट कर लिया है और हमने सांग के दर्शन, आस्तिक दर्शन जो की है उसे हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब नाउ आस्तिक दर्शन में हम दूसरा दर्शन जो कि सांग के दर्शन का समानार्थी दर्शन है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि योग दर्शन, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो है वो रेगुलर क्लासेस ऐप में होती है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखे हैं, है ना, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। मैं आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूँ, है ना, आपको लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, रेगुलर लाइव सेशन होते हैं, रेगुलर वहाँ पर टेस्ट होते हैं, तो आपको एकदम मिनिमम प्राइस में मैं पूरी जितनी भी फैसिलिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकता हूँ सारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो जाइए, लिंक आपको वेबसाइट का भी और ऐप का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ना वो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम आज का टॉपिक जो कि योग दर्शन उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो योग दर्शन आप देख सकते हैं, इसे हम सेश्वर सांग के दर्शन भी बोलते हैं। सेश्वर सांग के दर्शन इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि योग दर्शन जो है वो सांग के दर्शन ही है, लेकिन ये ईश्वर युक्त क्या है, सांग के दर्शन है ना, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, सेश्वर सांग के बोला गया। क्यों? क्योंकि जो तत्व सांग के दर्शन ने माने हैं वही सेम तत्व जो है वो योग दर्शन ने भी माने हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एक अतिरिक्त 26वां तत्व माना है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईश्वर तत्व बोलते हैं। इसीलिए इस दर्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेश्वर सांग के दर्शन भी बोल देते हैं। इसके प्रवक्ता जो है वो कौन है, महर्षि पतंजलि है, है ना। और योग दर्शन का जो आधार है वो क्या है, योग सूत्र है। और योग दर्शन में टोटल 195 योग सूत्र है। कितने सूत्र है, 195 योग सूत्र है, जिनको जिनको चार पाद में, जिनको चार पाद में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, समाधि पाद, दूसरा क्या हो जाएगा, साधन पाद, तीसरा क्या हो जाएगा, विभूति पाद, और चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैवल्य पाद, ठीक है। तो योग दर्शन का जो आधार है वो क्या है, योग सूत्र है, है ना, पतंजलि के योग सूत्र। और इन योग सूत्रों को हमने चार पाद में डिवाइड किया है, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं योग दर्शन का आधार जो है वो क्या है, योग सूत्र है। और योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा था, जो कि क्या है, योग भाष्य, ठीक है। योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना 400 ईस्वी पूर्व पहले हो गई थी। और योग सूत्र में टोटल कितने पाद है, चार पाद है। और इन चार पाद में ही जितने भी 195 योग सूत्र है उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं समाधि पाद में टोटल 51 सूत्रों को रखा है, साधन पाद में 55 सूत्रों को रखा है, विभूति पाद में 55 सूत्रों को रखा है, और केवल पाद में 34 सूत्रों को रखा है, ठीक है। अगर मैं समाधि पाद की बात करता हूं तो समाधि पाद में किसका वर्णन किया गया है, तो यहां पर योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन किया गया है। मतलब योग क्या होता है और योग के कितने भेद है, इसके बारे में कहां पर वर्णन किया गया है, समाधि पाद में वर्णन किया गया है। कितने सूत्र के थ्रू, 51 सूत्र के थ्रू। उसके बाद अगर मैं साधन पाद की बात करता हूं तो योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योग का वर्णन जो है वो किसमें किया गया है, साधन पाद में किया गया है। मतलब जो आपने समाधि पाद में योग को पढ़ा था, योग के भेद को पढ़ा था, तो उसको प्राप्ति के जो जो भी साधन है, है ना, जिसमें से एक साधन क्या है, अष्टांग योग है, वो किसमें वर्णन किया गया है, साधन पाद में वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर विभूति पाद की बात करते हैं तो योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन, मतलब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे उससे फिर आपको जो भी सिद्धियां प्राप्त होगी उनका वर्णन जो है वो किसमें किया गया है, विभूति पाद में किया गया है, ठीक है। और जब आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो फिर लास्ट में आपको क्या होता है, मोक्ष यानी कि समाधि मिल जाती है। तो कैवल्य पाद मतलब मोक्ष का वर्णन जो है वो किसमें किया गया है, कैवल्य पाद। योग दर्शन के अनुसार अगर हम मोक्ष देखें तो क्या होता है, कैवल्य, कैवल्य को ही हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो भी 195 योग सूत्र है उनको चार पाद में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो पाद है वो क्या हो जाएगा, आपका समाधि पाद, जिसमें योग के बारे में बताया है, इसके भेद के बारे में बताया है। दूसरे अगर हम योग की प्राप्ति के साधन की बात करें तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, साधन पाद में किया गया है, साधन पाद में ही अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तीसरा अगर हम बात करें तो योग से आपको जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनको किसमें वर्णित किया गया है, तो उनको उनका जो वर्णन जो है वो विभूति पाद में किया गया है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो मोक्ष का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, तो कैवल्य पाद में किया गया है, ठीक है। चलिए अब टीकाकार की बात करते हैं योग दर्शन की, तो विज्ञान भिक्षु है और इनकी टीका जो है कौन सी, योग वर्तिका है,
ठीक है। योग दर्शन पर सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य जो है वो व्यास ने लिखा था और जिसका नाम क्या है, व्यास भाष्य है। वाचस्पति मिश्र ने भी एक टीका लिखी थी जिसका नाम क्या है, तत्व वैशारधि। उसके बाद योग दर्शन ने, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि योग दर्शन जो है उसने सेम तत्व माने हैं सांख्य दर्शन ने जो तत्व बताए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सांख्य दर्शन ने, है ना, सांख्य दर्शन ने टोटल तत्व कितने बताए हैं, 25 तत्व बताए हैं, है ना। मतलब जो अहंकार तत्व, महत तत्व, है ना, या फिर व्यक्त तत्व की बात कर लो, या तो फिर अव्यक्त की बात कर लो, या पंचमहाभूत की बात कर लो, पंच तन्मात्राएं की बात कर लो, एकादश इंद्रिया की बात कर लो, मतलब जो भी तत्व सांख्य दर्शन ने बताए हैं वही सेम तत्व योग दर्शन ने भी माना है। लेकिन यहाँ पर योग दर्शन ने एक और अतिरिक्त तत्व, 26वां तत्व बताया है, जिसे क्या बोला गया है, ईश्वर बोला गया है, जिसे क्या बोला गया है, पुरुष विशेष बोला गया है। पुरुष विशेष क्यों बोला गया, पुरुष विशेष मतलब जो सभी प्रकार के पापों या कर्मों से जो क्या है, मुक्त है। इस तरह के तत्व को हम क्या बोलते हैं, ईश्वर तरह के ईश्वर को हम क्या बोलते हैं, पुरुष विशेष बोलते हैं, ठीक है। तो योग दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो योग दर्शन ने सांख्य के जो 25 तत्व है वो तो माना है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर इसने एक और तत्व माना है जो कि क्या, ईश्वर तत्व है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, या सांख्य दर्शन ने, सॉरी योग दर्शन इसे क्या बोला है, पुरुष विशेष भी बोला है। क्या बोला, इसे पुरुष विशेष भी बोला है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल पदार्थ जो योग दर्शन ने कितने माने, 26 पदार्थ माने हैं, 25 तो सांख्य वाले और एक अपना अतिरिक्त तत्व माना है, 26वां तत्व जिसे क्या बोला गया है, ईश्वर बोला गया है। क्योंकि इसने ईश्वर को भी माना है इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, सेश्वर सांख्य भी बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को स्वीकार किया है। योग दर्शन ने सांख्य की तरह 25 तत्व माने हैं, परंतु यहाँ पर एक और अतिरिक्त तत्व, 26वां तत्व ईश्वर या पुरुष विशेष जिसे कहा गया है, उसे भी इसने माना है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, सेश्वर सांख्य भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हमने बहुत योग 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 बात कर लिया है, आखिरकार इस योग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो योग शब्द जो है वो युज समाधो, युज संयमने या युजिर योगे धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, एकाग्र करना, ध्यान करना, जुड़ना या नियंत्रित करना, ठीक है, और संयम करना, ये सब इसके क्या है, अर्थ है, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि योग शब्द किससे बना हुआ है, तो योग शब्द जो है वो युजिर समाधो, है ना, क्या हो जाएगा, युजिर समाधो या युज समाधो, है ना, युज संयमने या यूजिर योग्य शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एकाग्रित होना या ध्यान करना या संयम करना, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, या नियंत्रित करना, ये इसके क्या है, सब अर्थ है, ठीक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि योग की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको सिर्फ एक लाइन में बोल देना है, योगस चित्तवृत्ति निरोध योग, क्या हो जाएगा, योगस चित्तवृत्ति निरोध योग, मतलब चित्त वृत्ति के निरोध को ही क्या कहा गया है, योग कहा गया है। अब चित्त क्या होता है, वृत्ति क्या होती है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चित्त की अगर हम बात करते हैं, चित्त की अगर हम बात करें तो चित्त का मतलब क्या होता है, चित्त का मतलब होता है महत, है ना, महत, अहंकार, अहंकार और बुद्धि, महत, अहंकार और बुद्धि, है ना, इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया है, इन तीनों के संयोग को चित्त कहा गया है, है ना, या इसे हम क्या बोल देते हैं, अंतःकरण भी बोल देते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, महत बोले तो बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया है, चित्त कहा गया है, ठीक है, इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया, चित्त कहा गया। तो आप देखिए यहाँ पर, और वृत्ति की बात करते हैं तो अब मैं आपको वृत्ति पे आके समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप डेफिनेशन को देख लीजिए, चित्त की वृत्तियों को निरोध को ये क्या कहा गया है, योग कहा गया है। चित्त का मतलब क्या होता है, अंतःकरण या मन, बुद्धि या अहंकार के संयोग को ही हम क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। अब देखिए, अब चित्त जो होता है, चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है, आपको समझाता हूँ। देखिए अब देखो, अब आप ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो चित्त है जो क्या होता है, अहंकार बुद्धि और मन का क्या होता है, संयोग, इसे हम क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं। तो ये जो चित्त है क्या होता है, जब वस्तु बोल दो या किसी विषय के क्या आता है, संपर्क में आता है,
है ना, किसी वस्तु या विषय के क्या होता है संपर्क, मतलब चित्र जो है किसी वस्तु या विषय के क्या होता है संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो क्या होता है इसके आकार को ग्रहण कर लेता है ना। तो चित्र जो है वो क्या कर लेता है, इस वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, वस्तु के आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और आकार को ग्रहण कर लेना ही इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तियां बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तियां, ठीक है। क्योंकि चित्त ने किसी वस्तु के आकार को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देंगे, चित्त वृत्तियां। इसलिए इसे हम, इनको अगर मिला के देखें तो इनको हम क्या बोल देते हैं, चित्त वृत्तियां। समझे नहीं समझे, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि चित्त जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धि मन और अहंकार के संयोग को क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, ठीक है। जब ये क्या होता है किसी विषय या वस्तु के संपर्क में आता है तो उस विषय या वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है, और आकार को ग्रहण करना है क्या कहलाता है, वृत्तियां कहलाता है, चित्त वृत्तियां। अब देखो आपको समझाता हूँ, जैसे कि देखो मान लो आप किधर मार्केट गए है ना, आप मार्केट से आने के बाद आप रूम में आते हैं है ना, तो रूम में आप किताब खोल के बैठ जाइए तो किसी न किसी का तो आधे आधे घंटे तक पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है, क्योंकि उसका चित्त तो क्या है, भटका हुआ है। कहाँ भटका हुआ है, मार्केट में भटका हुआ है ना। मतलब वो मार्केट से आता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसके उस मतलब मार्केट में जो भी वस्तुएं हैं उसके संपर्क में आने से ये जो चित्त क्या करता है, उसके आकार को ग्रहण कर लेता है। मान लो आप मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, जैसे मान लो कोई लड़का है और उसने एक सुंदर लड़की को देख लिया, ठीक है, तो रूम में आने के बाद उसका जो चित्त है वो उधर ही रहेगा, किधर रहेगा, उस सुंदर लड़की की तरफ रहेगा, ठीक है। आपके मन में क्या होगी, यहाँ पर उलझन सी होगी है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तियाँ कहते हैं। मतलब और यहाँ पर कौन सी वृत्ति पता है, इस वृत्ति वाली वृत्ति है। मतलब आप मार्केट में गए, आपने जो भी यहाँ पर अनुभव किया, और आप जब रूम पर आते हैं पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि आपके पास कौन सी वृत्ति है, स्मृति वाली वृत्ति है। आपने जो मार्केट में अनुभव किया, जो चीज़ आपने देखी, उन बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में या आपके मन में क्या हो रही है, घूम रही है, और इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, वृत्तियाँ बोल देंगे, चित्त वृत्तियाँ, ठीक है। तो ये जो चित्त वृत्तियाँ है इनसे निरोध करना ही क्या है, योग कहलाता है, ठीक है। तो ये जो चित्त वृत्तियाँ है इनसे निरोध चित्त वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है, चित्त वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और जब आपको चित्त वृत्तियों से निरोध मिल जाता है तो आपको फिर क्या होती है, समाधि या मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है, समाधि या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनसे निरोध करने के क्या क्या साधन है, तो इसे निरोध करने के जो साधन है वो क्या बताए हैं, अष्टांग योग बताए हैं। क्या बताए हैं, अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग का जब आप क्या करते हैं, पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों का, जो योग के 8 अंग है इनकी जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, आपको चित्त वृत्ति से आप क्या होते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। मतलब चित्त वृत्ति से आपको क्या मिल जाता है, निरोध मिल जाता है, और इसे ही क्या कहा गया है, योग कहा गया है। अभी आप क्या है, आत्मा है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से जब क्या होता है, मिलन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। कैसे होगा, जब आप क्या करेंगे, चित्त वृत्तियों से निवारण आपको मिलेगा, इन चित्त वृत्तियों से जब आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और मुक्त होने के लिए क्या साधन बताएं, अष्टांग योग बताए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला था, हमने क्या बोला था डेफिनेशन में, चित्त वृत्ति क्या, तो क्या देखा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब इन चित्त वृत्तियों से निरोध ही क्या है, योग है। आपने देखा ना, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, मतलब गहरी नींद लेने के बाद जब आप करते हैं सुबह उठते हैं, तो आपका मन जो होता है बिल्कुल शांत होता है, आपके मन जो होता है एकदम खाली होता है ना, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती है ना। लेकिन जैसे जैसे फिर 5-10-15 मिनट होते हैं तो फिर आपके दिमाग में स्मृति वाली वृत्तियाँ आने लगती है, आपका मन जो होता है फिर हलचल करने लगता है, ठीक है। लेकिन आप जैसे तुरंत उठते हो सुबह, आप देखना गहरी नींद में जैसे आप उठते हैं तो आपका मन एकदम बिल्कुल शांत होता है, आपका मन एकदम एकाग्रित रहता है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ देर बाद आपके यहाँ पर स्मृति की वृत्ति आती है, 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई है, सबसे पहले प्रमाण वाली वृत्ति, दूसरी जो होती है विपर्य, तीसरी होती है विकल्प, चौथी जो होती है निद्रा, और 5वीं क्या होती है स्मृति,
ठीक है। तो पांच प्रकार की वृत्तियां होती है, ठीक है। तो इन इन वृत्तियों से, इन वृत्तियों से क्या होता है, आपके मन में फिर क्या होती है, हलचल होने लगती है। तो इन चित्त वृत्ति, जो भी चित्त वृत्ति है, इनसे निरोध ही, इनसे निरोध करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। और जब आप इन चित्त वृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं, या इनसे आपको क्या हो जाता है, या इनसे क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा गया है, योग कहा गया है। और आपको फिर क्या होते हैं, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि हर एक दर्शन का क्या है, अल्टीमेट एम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, कि चित्त जो होता है वो क्या करता है, किसी विषय या वस्तु के संपर्क में आता है, उसके आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तियाँ कहते हैं। और इन वृत्तियों से मतलब चित्त वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। हमने डेफिनेशन में देखा था, योग चित्त वृत्ति निरोध योग, ठीक है। और इनके साधन क्या है, तो अष्टांग योग है, ठीक। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, हाँ, योग चित्त वृत्ति निरोध, इसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहा गया है, योग कहा गया है, ठीक। अब योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने चित्त वृत्ति के बारे में ही बात की है। दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट की बात करते हैं तो जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उसे हम क्लिष्ट कहते हैं, और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अक्लिष्ट कहते हैं। पाँच प्रकार की वृत्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमें बोला था ना कि चित्त जो होता है वस्तु या विषय के संपर्क में आने से क्या करता है, उसके आकार को, रूप को, सबको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और क्या होते हैं, पांच प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रमाण। दूसरा क्या हो जाएगा, विपर्यय। तीसरा क्या हो जाएगा, विकल्प। चौथा क्या हो जाएगा, निद्रा और स्मृति। तो ये पांच जो है ये सब क्या है, वृत्तियां है। स्मृति भी एक वृत्ति है, निद्रा भी वृत्ति है, विकल्प भी वृत्ति है, विपर्यय और प्रमाण, ये सब क्या है, प्रति है, ठीक है। पर आपको यहाँ पर नाम याद होना चाहिए, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक एग्जांपल दूँ। जैसे कि बात करें, अगर मैं प्रमाण की बात करूँ, तो प्रमाण कैसे वृत्ति आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कहीं घूमने गए, ठीक है, बाहर घूमने गए, बादल छाए हुए हैं, काले घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है। तो उस मौसम को इंजॉय करने के बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनुमान प्रमाण लगाएंगे। मतलब हो सकता है आप काले बादल को देख के क्या अनुमान लगाएंगे, कि हो सकता है यहाँ पर कुछ देर बाद क्या होगी, बारिश होगी। तो उस मौसम को इंजॉय करने के बजाय आपने यहाँ पर क्या किया, अनुमान लगाया, ठीक है, अनुमान पर आपने फोकस किया बजाय उस मौसम पर फोकस करने के। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्रमाण की वृत्ति है। जैसे कि मान लो आप कहीं गए, वहाँ पर आसपास पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आपने अनुमान लगाया कि कुछ देर पहले हो सकता है यहाँ पर बारिश हुई होगी। उस मौसम को इंजॉय करने के बजाय आपने क्या अनुमान लगाया, आपने किस पर फोकस किया, अनुमान पर फोकस किया, ठीक है, प्रमाण पर आपने फोकस किया। तो प्रमाण जो वो भी एक प्रकार का है, वृत्ति है। विपर्यय की अगर मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊं, विपर्यय का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ दूर पर पेड़ लहरा रहा है, और वो पेड़ जो है वो नीम का है, लेकिन आपने उस नीम के पेड़ को निम्न मानकर आपने क्या माना, आम माना। आपने क्या माना, आम माना, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ग्रहण न करना और कुछ और ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, विपर्यय कहलाता है। तो विपर्यय भी क्या है, प्रकार की वृत्ति है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निद्रा की बात करते हैं, तो निद्रा मतलब तम गुण प्रधान की अवस्था को हम क्या कहते हैं, निद्रा कहते हैं। तो निद्रा भी एक तरह की क्या है, वृत्ति है। स्मृति की अगर हम बात करते हैं, तो स्मृति का मतलब क्या होता है, आप मान लो कहीं घूमने गए और वहाँ पर जो आपने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद अगर मैं आपसे उस जगह का वर्णन करता हूँ, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूमने लगती है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, वृत्ति है। जैसे कि मान लो आप नैनीताल गए, वहाँ पर आप जो भी देख कर आए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर अनुभव करके आए हैं, तो उन अनुभव से जो भी आपकी स्मृति है, जो आपको याद आता है, वो भी एक प्रकार की क्या है, वृत्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से पांच प्रकार की चित्त वृत्तियाँ होती है, इनके आप नाम याद कर लो, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अष्टांग योग। अब देखो, ये जो पांच प्रकार की चित्त वृत्ति है, हमने क्या बोला, योग चित्त वृत्ति निरोध, इन चित्त वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो इन चित्त वृत्ति के निरोध करने का जो साधन है वो क्या है, अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये आठ प्रकार के योग है। ये आठ अंग जो है योग के, इनसे ही क्या होगा, चित्त वृत्ति से आपको निवारण हो गया, मतलब आप चित्त वृत्ति से मुक्त होंगे, ठीक है। क्या, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, जिसमें से ऊपर के पांच ही नियम क्या बोलते हैं, बहिर्योग बोलते हैं, और नीचे के जो तीन है इसे हम क्या बोलते हैं, अंतर योग,
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर योग दर्शन के अनुसार 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो ऊपर के जो 5 इनको हम क्या बोलते हैं, बहिर्योग। बहिर्योग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, बाहरी क्रियाओं से संबंध है। उसके बाद अगर हम धारणा ध्यान समाधि की बात करें तो इनको हम अंतर्योग बोलते हैं। अंतर्योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका संबंध किससे है, मन से है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हम अंतर्योग कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, ये 8 अंग है योग के। ये क्या है, 8 अंग है योग के, 8 अंग है किसके, योग के, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टांग योग। और जिनसे क्या होगी, ये जो चित्त प्रत्यय है, इनसे आपको ये 8 अंग जो है वो क्या करेंगे, निवृत्त करेंगे, है ना। चित्त हमने देखा था ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, चलिए, और ये सब क्या है, साधन है। ठीक, चित्त वृत्तियों के निरोध के। तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक, चलिए यम की बात करते हैं, तो यम कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यम में क्या क्या हो जाएगा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा मतलब, हिंसा का मतलब क्या होता है, वॉयलेंट। तो आपको वॉयलेंट नहीं होना है, मतलब आपको शांति बनाए रखना है, अहिंसा को आपको फॉलो करना है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं सत्य, आपको हमेशा सत्य बोलना है, सत्य में भी सुंदर सत्य बोलना है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको जिन दर्शन पढ़ाया था। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय मतलब आपको चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य को आपको फॉलो करना है। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अपरिग्रह का मतलब आपको चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, जितने आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ये यम का आपको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जो कि 8 अंग का, योग का जो 8 अंग है उसमें से पहला अंग है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं नियम, तो नियम कितने होते हैं, 5 होते हैं, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच की बात करते हैं, क्लीनिनेस की बात करते हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो तो स्वच्छ रहना चाहिए, साथ में आपका जो वातावरण है वो भी क्या होना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है, संतोष की बात करते हैं, तो आपके पास जो चीजें उनमें ही आपको संतुष्टि होना चाहिए। तप की बात करते हैं, तो तप का आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि मान लो बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होने के बावजूद भी आपको गर्मी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप क्या है, तपस्वी है। बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड में ये सब करने के बजाय आपको कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आप क्या है, तपस्वी है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश हो जाने के बाद क्या हो गया, आपका मान लो खेत है, तो खेत बह गया, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आप क्या है, तपस्वी है। ठीक है, उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब रामायण महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़ना और इनसे ज्ञान अर्जित करना, ये क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान करना, ये तो आप जानते ही है। ठीक है, तो ये 5 नियम होते हैं, तो 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। नियम जो है वो क्या है, दूसरा अंग है योग का। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं आसन, आसन का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी शारीरिक स्थिति में बैठे हुए हैं और उससे आपको क्या हो रहा है, सुख मिल रहा है, तो वो क्या है, आसन है। जरूरी नहीं है कि सिर को नीचे कर लो, पैर को ऊपर कर लो, तो वही आसन है, बिल्कुल ऐसा नहीं। योग ने यहाँ पर ये बोला है कि आप जिस भी स्थिति में बैठे हुए हैं, है ना, जिस भी शारीरिक स्थिति में आप बैठे हुए और आपको उससे क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए आसन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो शारीरिक स्थिति स्थायी या सुखद हो वो क्या कहलाती है, आसन कहलाती है। प्राणायाम की बात करते हैं, तो उस आसन जय के होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही क्या है, प्राणायाम है। मतलब श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। अब देखिए, अब ये जो 8 अंग जो है ना, ये जो 8 अंग है ना, 8 अंग जो है, इनमें से सबसे ज़्यादा बाबा रामदेव ने फोकस किया, वो किस पर किया है, एक तो आपके आसन पर किया है और दूसरा किस पर किया है, प्राणायाम पर किया है। किस पर किया है, प्राणायाम पे। बाबा रामदेव यम नियम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार इसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किस पर फोकस किया है, आसन और प्राणायाम पर फोकस किया है। उन्होंने एक चीज़ देख लिया था कि मनुष्य जो है आसन कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, धारणा ध्यान समाधि के लायक नहीं है। तो लायक तो है, लेकिन पर करेगा ही नहीं, इसको बताएंगे तब भी करेगा ही नहीं। इसलिए बाबा रामदेव ने क्या बोला कि आसन और प्राणायाम जो है यही योग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 अंग जो है, अगर आप इन 8 अंग का पालन करते हैं तभी आप क्या कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग का जब आप क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूरा योग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, बाबा रामदेव ने सब
सबसे ज्यादा फोकस जो किया है वो किस पर किया, आसन और प्राणायाम पर किया है। हालांकि इससे भी बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है और मिल भी रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्याहार की। बात करते हैं इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार। देखो अब इंद्रियों को अपने वश में करना ही क्या कहलाता है, ये प्रत्याहार कहलाता है। धारणा की हम बात करते हैं तो चित्त के साथ, अब देखो धारणा, धारणा का मतलब क्या होता है, चित्त को एक जगह पर लगाना। जैसे कि मान लो आप एक जगह, जैसे मान लो आप ओम पे अपने चित्त को लगा रहे हैं, तो चित्त को एक जगह पर लगाना ही क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। ठीक है, ध्यान की अगर बात करें तो काफी लंबे समय तक आप उस चित्त पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान हो जाएगा। तो धारणा के ज्ञान का एक सा रहना, मतलब काफी लंबे समय तक आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा। समाधि की बात करते हैं तो ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो, है ना, जो आप ध्यान कर रहे थे तो उससे फिर आपको क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। मतलब आप अपने रूप से क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाता है, समाधि या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको। ठीक है, और जिनमें से धारणा ध्यान समाधि को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, संयम कहा गया है। मतलब ये जो धारणा ध्यान और ये जो समाधि है, ठीक है, इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया है, संयम कहा गया है। और इन तीनों के जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अष्ट योगिक सिद्धियां प्राप्त होती है। 8 प्रकार की यहाँ पर सिद्धियां बताई गई है। तो इन सिद्धियों की प्राप्तियां कब होगी, मतलब इन सिद्धियों की प्राप्ति जो होगी आपको कब होगी, जब आप धारणा ध्यान समाधि का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर धारणा ध्यान एवं समाधि अर्थात संयम का जो फल है वो क्या है, अष्ट यौगिक सिद्धियाँ, जिसमें अणिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य वसित्व स्थित्रत्व और यत्र काम वसायित्व, ये सब क्या है, 8 सिद्धियाँ है योग की। ठीक है, और इनकी प्राप्ति कब होगी, जब आप क्या करते हैं, धारणा ध्यान समाधि का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं अणिमा की बात करता हूँ, तो ये इस प्रकार की सिद्धि है जिससे अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है तो आप आपके शरीर को क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको धारणा ध्यान समाधि इनकी क्या करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, लगीमा की बात करते हैं तो अगर ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो इस सिद्धि से आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को चाहे जितना हल्का बना सकते हैं। महिमा की बात करते हैं तो आप अपने शरीर को चाहे जितना फैला सकते हैं इस सिद्धि के अनुसार। प्राप्ति की बात करते हैं तो जो भी इष्ट मतलब जो भी आपको इच्छाएं हैं उन सारे पदार्थों को आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य की बात करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वसित्व की बात करते हैं, आप प्राणियों को अपने वश में कर सकते हैं, पंच महाभूतों को अपने वश में कर सकते हैं। वायु चल रही है तो उसे आप रोक सकते हैं, पानी की दिशा को आप बदल सकते हैं, है ना, आकाश को आप रोक सकते हैं। तो ये आपके पास शक्ति आ जाएगी, ये आपके पास क्या जाएगी, सिद्धियां आ जाएगी अगर आप क्या करते हैं, धारणा ध्यान समाधि की प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि किसी के पास भी ये सिद्धियाँ तो नहीं है, अगर जिसके पास ये सिद्धियाँ होगी तो वो एकदम धनी हो जाएगा। और महर्षियों ने ये बोला है कि आपको इनके चक्कर में नहीं फंसना है, ये सिद्धियाँ अगर आपको प्राप्त हो गई तो बिल्कुल ये सत है, आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेंगे, आपका जो संकल्प है उसे आप पूरा कर लेंगे, प्राणियों को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन महर्षियों ने ये बोला है कि आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, है ना, इसमें नहीं फंसना है आपको, इस बंधन में। ठीक है, इसे त्रोत्व की बात करते हैं तो ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य होना। और यत्र काम वसायित्व की बात करते हैं, जो संकल्प आपने लिया हुआ है वो संकल्प आपका क्या होगा, पूरा होगा। कि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अणिमा लगीमा महिमा इसी त्रत्व, है ना, प्रकाम्य, जितनी भी ये 8 प्रकार की सिद्धियां है ये आपको कैसे प्राप्त होगी, जब आप क्या करते हैं धारणा ध्यान समाधि इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया, तो आपको याद होना चाहिए कि अष्ट यौगिक सिद्धियां जो किसका फल है, तो संयम यानी कि धारणा ध्यान समाधि का फल है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रमाण। तो जो प्रमाण सांख्य दर्शन में माना, तो भाई सेम प्रमाण योग दर्शन में माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आपका शब्द प्रमाण। ठीक है, आगम प्रमाण। योग दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं, दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। और आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये इनके क्या है, सिमिलरिटी है। ठीक, योग दर्शन और आयुर्वेद की। ठीक, चलिए तो आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने हालांकि आपको अलाउ तो नहीं किया है ग्रुप में मैसेज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको करता हूँ ना तो आप में से कुछ लोग जो है वो बार बार ऐसे मैसेज करते हैं कि मेरे को बेजबरन फिर क्या करना पड़ता है, ओनली एडमिन कैन मैसेज, इसको मेरे को फिर सेट करना पड़ता है। अब देखो भाई,
एक दिन मैंने मान लो लेक्चर नहीं दिया, दो दिन लेक्चर नहीं दिया, सबके मैसेज आने चालू हो जाते हैं कि लेक्चर नहीं आया। तो भाई हमारे भी कोई काम होते हैं। अब क्या हर बार मेरा जो भी काम होगा तो आपको बता के जाऊँगा क्या मैं? क्यों आपको बता के जाऊँगा क्या मैं? तो आप समझ जाया करो, अगर जिस दिन लेक्चर नहीं आ रहा है तो सर कहीं ना कहीं बिजी होंगे, ठीक है। बाकी आपको रोज लेक्चर मिलता ही है ना, जिस दिन नहीं मिला तो मैं बिजी होऊंगा, समझ जाया करो। ये तो भाई कॉमन सेंस है ना, एक प्रकार से मैसेज करना चालू कर देते हैं तो ये थोड़ा क्या अपने अंदर एक अच्छी हैबिट लाओ, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार मैसेज करना गलत बात है, एक प्रकार से समझ जाया करो कि कहीं बिजी होंगे, ठीक। चलिए बाकी हम को पता है आपसे ज़्यादा मेरे को टेंशन है सिलेबस की, आई बात समझ में। और मैंने कल वीडियो बनाया था कि इंटरनल एग्ज़ाम के कितने मार्क्स ऐड होंगे, अगर आप में से नहीं देखा है किसी ने तो उसे देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम जो है इसके मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड होंगे ना कि थ्योरी में ऐड होंगे, ठीक है। और मेरा जो मेन एम जो है वो आपकी क्या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ना कि आपका टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए, है ना। और टर्म के बहुत कम मार्क्स ऐड होंगे, वो भी किस में ऐड होंगे? प्रैक्टिकल में ऐड होंगे। तो उस वीडियो का आप देख लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।